Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आपका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। Shalom to each one. हर एक को शांति हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Before marrying the word of God, let's close our eyes and let's pray. परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Let's ask grace from our God. अपने परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। So that we can able to understand, we can understand the word of God. कि हम उसके वचनों को समझ सके, उसे जान सके। Let's pray, Lord, give us listening ear. आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सुनने वाले कान दे। Father, we come in Jesus name. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। And we thank you for you have gathered us once again. और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया। As we are going to study your word. जब हम आपके वचनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। Give us understanding heart. हमें समझने वाला मन दो। Open our ear. हमारे कानों को खोलो। So that we can listen you. कि हम आपको सुन सके। We ought to know you. और हम आपको जान सके। Open our eyes. हमारी आंखें खोलो। So that we can see the your glory. कि हम आपकी महिमा को देख सके। And we believe in you. और हम आप में विश्वास करें। Father, by faith we border ourselves. पिता, हम विश्वास से अपने आप को झुकाते हैं। For my faith you have been pleased. और क्योंकि विश्वास से आप प्रसन्न होते हो। And we ask today grace. और हम आज अनुग्रह मांगते हैं। Holy Spirit, we need your guidance. पवित्र आत्मा, हम आपका अगुवाई चाहते हैं। Bless all who are joined, who are watching, and who are listening. हर कोई जो जुड़ा है उसे आशीष दो और अनुग्रह दो। Yes, bless all who are listening. और जो सुन रहे हैं उन्हें आशीष दो। In Jesus name, Father, we pray. हाँ, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to talk about life of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। We have two life. We know that. हमारे पास दो जीवन है और वो हम जानते हैं। Every Christian know that there is spiritual life and there is a physical life. हर एक ख्रिस्ती व्यक्ति यह जानता है कि एक आत्मिक जीवन है और एक दैहिक जीवन है। There is visible and there is invisible life. एक दृश्य और एक अदृश्य जीवन है। There is temporary and there is eternal life. एक अस्थायी और एक अनंत जीवन है। There is a fake life and there is a fact life. एक नकली एक झूठी झूठा जीवन है और एक असली जीवन। People live with reason and there are people who live without reason. लोग कारण से भी जीते हैं और बिना कारण के भी जीते हैं। There is inner man and outer man, Bible says. अंदर का व्यक्ति और बाहर का व्यक्ति, ऐसा बाइबल कहता है। There are two type of life people are living. ऐसे दो तरह के जीवन है कि जो लोग जीते हैं। Animal that they live for themselves. जानवर है कि जो अपने खुद के लिए जीते हैं। And plants that live for other. और झाड़ है कि जो दूसरों के लिए जीता है। Jesus life, Bible says in John 1 chapter and verse 4. यीशु मसीह के जीवन के बारे में योहन्ना की इन योहन्ना का सुवार्ता और उसमें सुसमाचार 4 समाचार 1 और उसका चौथा वचन कहता है। Here the writer says. यहाँ लेखक कहता है। In him was life. In Jesus it was life. यीशु मसीह में जीवन था। And life was the light of man. और वह जीवन मनुष्य का प्रकाश था। So here the word in Greek for life it is zoe. तो यहाँ ग्रीक भाषा में जीवन का अर्थ है zoe. Jesus life was life of God. यीशु मसीह का जो जीवन था वो परमेश्वर का जीवन था। We too have life. हमारे पास भी जीवन है। And we live by bread, by water, and by air. और हम खाना, हवा और पानी से जीते हैं। But Jesus life that was spiritual life. पर यीशु मसीह का जो जीवन था वो आत्मिक जीवन था। And he was God. It's the life of Jesus was God life. और यीशु मसीह का जो जीवन था वो परमेश्वर और आत्मिक जीवन था। That life that give power to live. वो लाइफ की जो दूसरों वो जीवन की जो दूसरों को शक्ति दे। That life that give life to death even. वो ऐसा जीवन था कि वो मृत्यु को भी जीवन दे सकता था। Such life that give joy when you are in sorrow. एक ऐसा जीवन की जब आप दुखी हो तो आपको आनंद दे। When you are in problem, you get happiness when you find this or receive this life. जब आप खुद को मुश्किल में देखो तो वो जीवन आपको साथ दे, ऐसा वो जीवन था। When there is no way. और जब कोई उम्मीद ना हो। And when Jesus come in your life. और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए। You get light. तो आपको प्रकाश मिलता है। You get wisdom. आपको ज्ञान मिलता है। You come out from all the worries. और आप सारी चिंताओं से बाहर आते हैं। So Jesus life is a different life. तो यीशु मसीह का जो जीवन था वो अलग जीवन था। When Jesus met Samaritan lady. जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से मिले। In John 4th chapter we can read. योहन्ना का सुसमाचार चौथा अध्याय हम पढ़ेंगे। And she came for water, for fetched water from the well.
और वो वहाँ कुएं से पानी भरने को आती है. And Jesus was sitting there. और यीशु मसीह वहाँ बैठे थे. And Jesus said, give me water. और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी दे. And this woman said, you are Jew and I am Samaritan. Why you are talking to me, Samaritan? और उस औरत ने जवाब दिया कि तू तो यहूदी व्यक्ति है और तू मुझ सामरी से पानी क्यों मांग रहा है? For this Jew, they don't have any fellowship with this Samaritan people. क्योंकि जो यहूदी लोग हैं वो सामरी लोगों से कोई लगभग नहीं रखते. So Jesus of a high caste was talking with a low caste person. क्योंकि यीशु मसीह एक उच्च ऊंची जाति के थे और वो ये नीचे जाति की औरत के साथ बात कर रहे थे. And Jesus said, go and call your husband. और यीशु मसीह ने कहा कि जा और जाकर अपने पति को बुला के ला. And Jesus said, I know that you have 5 husbands. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तेरे 5 पति हैं. The one you who is living with you is not your husband. जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है. And this woman, she was surprised with this Jesus. और ये औरत यीशु मसीह की बातों से अचंभित हुई. When Jesus said that I am going to give you such water that if you drink, there will be no thirst anymore in your life. जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे कैसा पानी दूंगा कि जिससे तुझे अब कभी प्यास ना लगेगी. So Jesus said about water, such water that give life forever. तो यीशु मसीह ने एक ऐसे पानी की बात की कि जो जीवन देता है. So Jesus' life was such life that it gave abundant life. तो यीशु मसीह का जीवन एक ऐसा जीवन था कि जो बहुतायत और अनंत जीवन देता. Jesus said to this woman that you don't know who am I. यीशु मसीह ने इस औरत से कहा कि तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ. I am gift from God. मैं परमेश्वर की भेंट हूँ. And Jesus was life that was gift from God. और यीशु मसीह का वो जीवन परमेश्वर की ओर से भेंट है. Jesus was life, was gift to the world. यीशु मसीह दुनिया के लिए एक तोहफा है. Jesus life was a God life. It was Zoe life. यीशु मसीह का जो जीवन है वो परमेश्वर का जीवन है, वो जोए जीवन है. We are living a simple life. हम एक साधारण जीवन जी रहे हैं. Two, three times eat and then go one time. 2-3 times खाते हैं और 1 time जाते हैं. We just sleep and then wake up and go for job or for school. हम सोते हैं, उठते हैं और अपने नौकरी या फिर अपने स्कूल के लिए जाते हैं. We earn and we spend. हम कमाते हैं और हम उसको खर्च भी करते हैं. Marry 1 time and struggle 100 times. एक बार शादी करते हैं पर बहुत बार तकलीफें उठाते हैं. We have this type of life. इस तरह का जीवन हमारे पास है. We have life with 5 stages. हमारा जीवन 5 कक्षाओं में है. Birth, then childless, and then youth, and then elder, and then old age. जन्म, बाल अवस्था, then elder, you go elder. और फिर बड़े होना, बुढ़े होना. And then old age. और फिर उम्र में ज़्यादा वृद्ध होना. And then life goes to death, dust. और फिर आखिर में वह जीवन मिट्टी में मिलता है. So we have life and we have 1 chance to know God. तो हमारे पास जीवन है और हमारे पास एक ही मौका है कि हम परमेश्वर. Jesus came and said, I am gift of God. यीशु मसीह आए और उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए भेंट हूँ. It's written in verse 13 or 14, John 4. ऐसा लिखा गया है योहन्ना का सुसमाचार 4th chapter और उसका योहन्ना 4th chapter और उसका 10th verse. Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वो कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे जल दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान कर सकता. So Jesus said, if you know me, you would ask for I came from God. तो यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू जानती, if you would know I am sent by God. अगर तू जानती कि मुझे परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, then you would ask from me. तो तू मुझसे पानी मांगती. In another, it is translated that I am gift from God. और दूसरी भाषा, to the world. और दूसरी भाषा में ऐसा लिखा गया है कि वह तो परमेश्वर की ओर से दान था. And Jesus is life, that is 1 John 1:4. और यीशु मसीह एक जीवन है, वो यूहन्ना का सुसमाचार 1st chapter और 1st verse. It says Jesus is life.
ऐसा कहा गया है कि यीशु मसीह जीवन है. We too are having life. हमारे पास भी जीवन है. We live for self. हम खुद के लिए जीते हैं. We think for self. हम खुद के लिए सोचते हैं. We eat for self. हम खुद के लिए खाते हैं. We sleep for self. हम खुद के लिए सोते हैं. We just live for ourselves. हम केवल खुद के लिए जीते हैं. And many time we might live for other if we grow up. When we grow up, we live for other people. जब हम बड़े होते हैं तब हम शायद कभी किसी और के लिए जी लेते हैं. Jesus life was life of God. यीशु मसीह का जो जीवन था वो परमेश्वर का जीवन था. I'm going to talk seven things about Jesus life. मैं सात बातें यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताने. If you have received Jesus Christ, you have received the life of God. अगर आपने यीशु मसीह को पाया है, अगर आपने यीशु मसीह को पाया है तो उसका जीवन. If you would have had received Jesus Christ, यदि आपने यीशु मसीह को पाया है. If you would have any time had, अगर आपने यीशु मसीह को पाया होता, then you would experience these seven things. तो आप इन सात बातों का अनुभव करते. What are these? ये सात बातें क्या हैं? What is life of Jesus Christ? यीशु मसीह का जीवन क्या था? When it entered in our life, when we receive this life. जब हम इस जीवन को कबूल करते हैं. When we receive Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं. When we receive Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह को पाते हैं, ग्रहण करते हैं. We receive life. तो हम जीवन पाते हैं. As we read John 1 and verse 4. जैसे हम पढ़ते हैं योहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और उसका चौथा वचन. Jesus said, Jesus is light and he is light to the world. He is life and he is light to the world. यीशु मसीह जीवन है और वो इस जीवन का प्रकाश है. He give light to the people. वो लोगों को प्रकाश देता है. So the first thing Jesus life it means it give life to other. तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह जीवन है और वो दूसरों को जीवन देता है. Amen. Amen. Such life that give life to other people. ऐसा जीवन की जो दूसरों को जीवन देता है. Give wisdom, inspiration to other people. दूसरों को ज्ञान देता है और उन्हें प्रेरणा देता है. Give guidance to the people who are confused. और जो मुश्किल में होते हैं उन्हें अगुवाई करता है. So Jesus life, if it enter in our life. तो यीशु मसीह का जीवन यद हमारे जीवन में जब आता है. It strike us, it give us light. तो वो हमें प्रकाश देता है. Amen. Amen. So when Jesus is standing before us. तो जब यीशु मसीह हमारे सामने खड़े होते हैं. You will get everything, you can understand everything. आप सारी बातों को समझ सकते हो. You no need to explain. किसी बात को समझाने की जरूरत नहीं होती. When Jesus is standing or if you receive Jesus. When you receive Jesus, you get light. जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हो, पाते हो, तो आपको प्रकाश मिलता है. Because he is light. क्योंकि वो जीवन है. Such life that give light. ऐसा जीवन की जो प्रकाश दे. Amen. 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 Such light, life that give life to other. ऐसा जीवन की जो दूसरों को जीवन दे. Amen. Amen. John 3rd chapter verse 15. योहन्ना का सुसमाचार तीसरा अध्याय और उसका 15 वचन. Jesus said, "Who believed me will receive eternal life." यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाएगा. So John said he was life. तो योहन्ना ने कहा कि यीशु मसीह जीवन है. And when someone receive this life, he get eternal life. और जब कोई यह जीवन पाता है तो उसे अनंत जीवन मिलता है. And that such life that never ends. ऐसा जीवन की जिसका अंत नहीं है. You never are perish. और आपका नाश विनाश नहीं होगा. But you have eternal life. पर आप अनंत जीवन पाओ. So when someone receive Jesus Christ. तो जब कोई यीशु मसीह को पाता है. He receive eternity. तो वो अनंतता पाता है. He never the life never ends. उस जीवन का अंत नहीं होता है. Amen. 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 Third truth about Jesus' life. तीसरा सत्य यीशु मसीह के जीवन के बारे में. John 4 and verse 14. योहन्ना का सुसमाचार 4 और उसका 14. As Jesus was talking with that lady, he said. जब यीशु मसीह उस औरत से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा. That if you drink this water, if what I give you. जो पानी मैं तुझे दूंगा यदि तू वो पिए. It will fountain of water springing up
टू इटर्नल लाइफ, तो वह जीवन के झरे की तरह अनंत तक बहता रहेगा। इट विल बिकम इनटू हिम अ फाउंट ऑफ वाटर, वह जीवन के झरने, वो पानी के झरने की तरह बहेगा। इट विल ओवरफ्लो, वह बाहर निकलेगा पानी। व्हेन यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, जब आप यीशु मसीह को पाते हो, यू रिसीव एबंडेंट लाइफ, तो अपूर जीवन पाते हो। सच लाइफ दैट ओवरफ्लो और कम आउट फ्रॉम योर लाइफ, ऐसा जीवन की जो आपके जीवन से निकलता है। जॉन 10:10 says, योहन्ना 10 और 10वां वचन कहता Jesus है, said, यीशु मसीह ने कहा, that thief when he comes to steal and to kill and to destroy, कि चोर जब आता है तो वो चोरी करने आता है, विनाश करने आता है और नाश करने आता but है। But I came that you receive me and you will receive abundant life, पर मैं इसलिए आया हूँ कि तुम मुझे पाओ और मेरे पास जो जीवन है उस भरपूर जीवन को तुम पाओ। So when you receive Jesus Christ, you receive abundant things. तो जब आप यीशु मसीह को पाते हो तो आप उससे भरपूरी में सारी चीजें पाते हो। Abundant thing, abundant joy, abundant peace, abundant love, abundant everything. भरपूर जीवन, भरपूर आनंद और भरपूर खुशी आप पाते हो। Everything in abundance you receive it. सारी बातों को भरपूरी में आप पाते हो। So when you receive Jesus, तो जब आप यीशु मसीह को पाते हो, you receive everything abundantly. तो आप सारी बातों को भरपूरी से पाते हो। Amen. Amen. Such blessing you receive when you receive Jesus that overflows. ऐसी आशीषें कि जब आप यीशु मसीह को पाने से पाते हो, तो वो it overflows. तो वो उभरती हैं। Amen. Amen. A fourth truth about Jesus' life. चौथा सत्य यीशु मसीह के बारे में। John 5:24. योहन्ना का सुसमाचार 5 और उसका 24वां वचन। Jesus said that I truly say to you that whoever listening my word, I'm saying to them. यीशु मसीह ने कहा कि सच सच मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई मेरा वचन सुनता है and believes on me और मुझ पर विश्वास करता है and believes in him who sent me और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है he will have everlasting life तो उसके उसे अनंत जीवन मिलता है and he will not come into condemnation और वह दोषित नहीं ठहराया जाता but he will come out from death to life he will pass from life death to life पर वह मृत्यु से जीवन में आता है so when someone receives Jesus Christ तो जब कोई यीशु मसीह को पाता है Jesus the life, यीशु मसीह की जो जीवन है when someone receive this Jesus, और जब कोई ये यीशु को पाता है his problem goes, तो उसकी मुश्किलें चली जाती हैं, उसका दर्द चला his जाता weakness है, goes, उसकी कमजोरी चली his जाती darkness है, goes, उसका अंधकार सारा चला जाता evil है, thought goes, बुरे विचार चले जाते his हैं, pain, sorrow goes, उसका दर्द और दुख चला जाता है and he enter in joy, और वह आनंद में प्रवेश करता है। He enter in light. वह प्रकाश में प्रवेश करता है। He come in power. वह सामर्थ में आता है। He receive Jesus. When someone receive Jesus. जब कोई यीशु मसीह को पाता है। All darkness is removed. सारा अंधकार हट जाता है। And light enters in that life. और प्रकाश उस जीवन में प्रवेश करता है। Death goes out, come out, and life enter in. मृत्यु बाहर चली जाती है और प्रकाश आता है। Praise Lord. Amen. So Jesus is such life. तो यीशु मसीह एक ऐसा जीवन है। That will remove all the darkness. कि जो सारे ही अंधकार को मिटा देता है। Whatever evil you bring, he will put it out. जो कोई भी दुष्ट को अगर आप लाते हो तो उसे यीशु मसीह बाहर निकाल देते हैं। Jesus life will bring all the evil thing out. यीशु मसीह का जीवन सारी ही दुष्ट बातों को बाहर निकाल देता है। All your pain, sorrow, he will remove it and he will give you joy. सारे दर्द और दुख को वो निकाल देता है और आनंद से भरता है। So when someone receive Jesus, तो जब कोई यीशु मसीह को पाता है, he pass from death to life. तो वो मृत्यु से जीवन में आता है। He pass from darkness to light. वो अंधकार से प्रकाश में आता है। Praise Lord. परमेश्वर की महिमा। Your life change. आपका जीवन बदलता है। Fifth truth. पांचवा सत्य। John 11:25. योहन्ना का सुसमाचार 11 और उसका 25वां। Jesus came at the tomb when Lazarus was dead. यीशु मसीह कब्र के पास आए जब लाजर मर गया था। And Martha, Maryam, they had called Jesus Christ. और मार्था और मरियम ने यीशु मसीह को बुलाया। And Jesus Christ said this word, verse 25. और यीशु मसीह ने यह वचन 25वां वचन वहाँ कहा। He said, I am resurrection. Oh Martha, listen. यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था सुन, मैं पुनरुत्थान हूँ। And I am life. और मैं जीवन हूँ। If you believe in me, यदि तुम मुझ में विश्वास करे, yes, don't you know what happened? तू नहीं जानती कि क्या होगा? Though even someone is dead,
कि जो कोई मर जाता है yet shall he live once again, तो वो फिर से जीवन पाता है. So Jesus said, I am resurrection. तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान. Such life that it will give life to dead bodies. ऐसा जीवन की जो मृत्यु देह में भी जीवन जान डालता है. So Jesus life, when you receive Jesus, you receive life. You receive life when you receive Jesus Christ. आप जब यीशु मसीह को पाते हो तब जीवन पाते हो. Even there is a dead body. यदि कोई even if there is a dead body anywhere. कहीं पे भी कोई मृत्यु देह हो. It will give life to that dead things. तो उस मृत्यु देह में भी जान डाल दे. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So Jesus said, I am resurrection. तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं पुनरुत्थान. I am life. मैं जीवन हूँ. I am standing as a resurrection before you. मैं पुनरुत्थान की तरह तुम्हारे सामने खड़ा हूँ. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So Martha, worry not. तो Martha, तू चिंता मत कर. If you believe me, I am life and resurrection. यदि तू विश्वास करती है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ. Though if there is someone dead. तो यदि कोई मर भी जाए. Yet there will be life if I am standing there. तो वहाँ जीवन होगा अगर मैं वहाँ खड़ा हूँ. So Jesus life is such life. तो यीशु मसीह का जीवन एक ऐसा जीवन था. Your dead cell can again regenerate. मरे हुए कण भी जीवित हो जाएंगे. So Jesus life is such life that it bring life to dead body. तो यीशु मसीह का जीवन एक ऐसा जीवन था कि जो मृत्यु देह को भी जीवन दे सकता था. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Every dead thing come to life. सारी मृत्यु मृत्यु पाई हुई चीजें जीवन में आती हैं. So such life is Zoe life, that is Jesus Christ. तो ऐसा जीवन Zoe जीवन है कि जो यीशु मसीह का था. Amen. Amen. He is life. वह जीवन है. He himself is alive. वो खुद एक जीवन है. Sixth truth about Jesus life. छठा सत्य यीशु मसीह के जीवन के बारे में. Jesus life is a different life than the world speaking of life. यीशु मसीह का जीवन एक अलग जीवन था कि जैसा दुनिया कहती है वैसा नहीं. As the world used for life. जीवन के लिए जो शब्द दुनिया लेती है वैसा नहीं. John 14 verse 27. योहन्ना का सुसमाचार 14 और उसका 27. Jesus said, I am giving my peace and I am leaving it with you. यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देकर तुम्हारे पास छोड़कर जाता हूँ. My peace I give it to you. मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ. And I'm leaving my peace to you. और with you. मैं मेरी शांति तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ. And I do not give you as the world give and take away. और जैसे दुनिया देती है और फिर ले लेती है उस तरह से मैं तुम्हें नहीं देता. But I'm giving it to you. पर मैं तुम्हें ऐसी शांति दे रहा हूँ कि जो तुम्हारे साथ रहे. Do not let your heart be troubled. अपने मन को व्याकुल ना होने दो. Do not be afraid. डरो मत. So when you receive Jesus, तो जब आप यीशु मसीह को पाते हो, the joy is different than the world gives. तो वो आनंद दुनिया के आनंद से अलग होता है. The peace that Jesus gave is different than the world give peace. यीशु मसीह जो शांति देता है वो दुनिया की शांति से अलग होती है. You have love within you yourself. You receive love that is different than the world. आपके अंदर एक ऐसा प्रेम होता है कि जो दुनिया के प्रेम से अलग है. You cannot compare life with of the world with Jesus. आप अपने जीवन को You cannot compare life of the world. You cannot compare life of the world with Jesus Christ. When Jesus Christ's life is here and the world life is here, that is all different. दुनिया के जीवन को यीशु मसीह के जीवन के साथ हम तोल नहीं सकते. Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो. So Jesus life is a different life. तो यीशु मसीह का जो जीवन है वो अलग जीवन है. World have joy. दुनिया के पास आनंद है. That is life. वो जीवन है. Jesus too have love, joy. That is also life. यीशु मसीह के पास भी जीवन है और वो उसके वहाँ भी आनंद है. Jesus life give joy. यीशु मसीह का जीवन आनंद देता है. World have life that give joy. दुनिया का भी जीवन है कि जो आनंद देता है. Jesus life give peace. यीशु मसीह का जीवन हमें शांति देता है. World also have life and it give peace. और दुनिया के पास भी जीवन है कि जो शांति देता है. And that is life. और वो भी एक जीवन है. But we cannot compare it with Jesus life. पर हम उस जीवन को यीशु मसीह के जीवन के साथ तोल नहीं सकते. Amen. Amen. So Jesus life is not
as the world give life. तो यीशु मसीह का जीवन जो दुनिया देती है वैसा जीवन नहीं है. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Life of Jesus is true and that is good with full of good things. यीशु मसीह का जीवन सत्य है और अच्छी बातों से भरपूर है. Amen. Amen. Seven truth. सातवां सत्य. As John said, Jesus was the light, life. जैसे योहन्ना कहते हैं कि यीशु मसीह जीवन है. And also Jesus said, I am life. और यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं जीवन हूँ. Amen. What type of that life he is? He is. तो वो किस तरह का जीवन था? Seven truth about Jesus life. सातवां सत्य यीशु मसीह के बारे में. That is in Jesus, the life that is in Jesus is the life cannot take anyone away. Such life that no one can take it away. यीशु मसीह के पास जो जीवन था वो ऐसा जीवन था कि कोई वो छीन नहीं सकता था. John 10 verse 28. योहन्ना 10 और उसका 28वां वचन. I give them immortal life and they shall not be lost. It is eternal life. I am giving them eternal life and they shall not be lost. मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूं कि जो कभी छीना नहीं जाएगा. Nor shall any one snatch them out of my hands. कि कोई तुम्हें मेरे हाथ से खींच भी नहीं सकता. So life that God had sent in this world, on this world. तो जीवन की जो परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा. It cannot be destroyed. उसका नाश नहीं होता. And no one can snatch or no one can destroy. और उसे कोई खींच नहीं सकता और हमसे छीन नहीं सकता. No one can take it. No enemy can attack this life. कोई दुश्मन इस जीवन पर हमला नहीं कर सकता. We have life and it is from our mother womb. हमारे पास जीवन है कि जो हमने अपने माँ की गर्भ से लिया है. And we have started living we are feeding, we live by water, bread and air. और हम हवा पानी और भोजन से जीते हैं. Jesus life it cannot be it we no one can kill it. पर यीशु मसीह का जो जीवन था उसे कोई मार नहीं सकता. If you receive Jesus life within yourself, यदि आप यीशु मसीह के जीवन को अपने आप में पाते हो, then no one can kill it. तो कोई उस जीवन को मार नहीं सकता. There is no one can take it away. कोई उस जीवन को खींच नहीं सकता. When you receive Jesus, जब आप यीशु मसीह को पाते हो, when you receive that life, जब आप उस जीवन को, no one can destroy, no one can take it away. कोई उसका विनाश नहीं कर सकता और कोई उसे छीन नहीं सकता. Praise Lord. परमेश्वर की महिमा हो. It is eternal life. वह अनंत जीवन है. It cannot be destroyed. उसका विनाश नहीं हो सकता. No one can take it away. कोई उसे ले नहीं सकता. Such life that cannot be compared with the worldly things. ऐसा जीवन कि जिसे दुनिया के जीवन के साथ आप तोल नहीं सकते. Such life that give even life to death things. ऐसा जीवन कि जो मृत्यु पाई हुई चीजों को भी जीवन देता है. Such life that can change the thing, the change things. ऐसा जीवन की जो हालात बदलता है. Such life that is it overflows. Such life it is abundant. ऐसा जीवन की जो भरपूरी से मिलता है. It's such life that never ends. It just go on keep on living. ऐसा जीवन की जो कभी अंत नहीं आता, जिसका जो अनंत तक रहता है. Such life that gives life even to other also. ऐसा जीवन की जो दूसरों को भी जीवन देता है. So when Jesus came, he was light for the world. तो यीशु मसीह जब आए तो वो दुनिया के लिए प्रकाश थे. He was living for other people. वो दूसरों के लिए जीते थे. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. So Zoe life it is God life. तो जो Zoe जीवन है वो परमेश्वर का जीवन. So we should receive Jesus Christ. तो हमें यीशु मसीह को पाना है. He is the life. वो जीवन है. Amen. 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 God give you grace to understand. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे ये समझने के लिए. Amen. Amen. Let's close our eyes. आइए अपनी आंखें बंद करें. Thank Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें. If we have not received him, यदि हमने उसे नहीं पाया है, right now I want that you receive him. अभी मैं यह चाहता हूं कि आप उसे पा लो. Right now you can raise your hand and say, Jesus, you are life and I want you. अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ ऊंचे करो और कहो कि यीशु मसीह आप जीवन हो और मैं आपको पाना चाहता हूं. Jesus, you said, I am resurrection. यीशु मसीह आपने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं. You said, I am life. आपने कहा कि मैं जीवन हूं.
एंड वी बिलीव इन यू, और हम आप में विश्वास करते हैं. वी रिसीव यू टुडे, हम आपको आज कबूल करते हैं. बिकॉज व्हेन यू एंटर इन अवर लाइफ, क्योंकि जब आप हमारे जीवन में प्रवेश करते हो, वी गेट लाइट, हमें प्रकाश मिलता है. व्हेन यू एंटर इन अवर लाइफ, जब आप हमारे जीवन में प्रवेश करते हो, ऑल द सॉरो गोज, सारा दुख चला जाता है. वी पास फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, हम अंधकार में से उजाले में आ जाते हैं. वी कम इन लाइफ, वी कम इनटू लाइफ, हम जीवन में आते हैं. वी नीड यू जीसस, हम आप हमें आपकी जरूरत है यीशु मसीह. यू आर लाइफ, आप जीवन हो. लॉर्ड वी प्रे फॉर दोज हु आर लिसनिंग, पिता हम प्रार्थना करते हैं जो लोग सुन रहे हैं. Who have raised their hand and want to receive you, जिन्होंने अपने हाथ ऊंचे किए हैं और जो आपको पाना चाहते हैं. Let they receive you, वे आपको पा लें. Yes, we pray, Lord, make them understand. हाँ पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ये बातें समझाओ. Who are believing in you, जो आप में विश्वास करते हैं. You are not life that world life talking about, दुनिया जिस जीवन के बारे में बात करती है आप वो जीवन नहीं हो. When you are standing, there is power. जब आप खड़े रहते हो तो वहाँ सामर्थ होता है. When you are standing, there is life and abundant life. जब आप खड़े रहते हो तो वहाँ भरपूरी से जीवन होता है. Such life that never ends. ऐसा जीवन की जिसका अंत नहीं. Such life that give life to other. ऐसा जीवन की जो दूसरों को जीवन देता है. All with all goodness. सारी अच्छी बातों से. You fill with all goodness. आप सारी अच्छी बातों से भरते हो प्रभु. Yes, Jesus Christ. जिन्होंने अपने हाथ ऊंचे किए हैं और आपको कबूल किया है, bless them. उन्हें आशीष दो. Yes, Father, bless all. हाँ पिता, सबको आशीष दो. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में. Amen. Amen. Let's continue pray what Lord taught. आइए प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना साथ में करें. Our Father who art in heaven. हे हमारे पिता जो स्वर्ग में. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. As it is in heaven, let be it on earth. And give us this our daily bread. And forgive our debts. As we forgive all our debtors. And lead us not into temptation. But deliver us from all evil. For thine is kingdom. Thy is power. Thy is glory. For our Father, you are our God. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष दे. Thank you for watching.